a very nice industry. It's full of glamour, and you have to be very patient out here. And I believe हर चीज़ बड़े प्यार से सॉल्व हो सकती है, चाहे वो कितना बड़ा या कितना छोटा इशू हो। बेसिकली आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली से मुंबई का सफ़र किस तरीके से तय हुआ? बहुत इंटरेस्टिंगली तय हुआ। आई वॉज इन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, हाउस वाइफ थी मैं। आई हैड टू पार्ट वेज विद माई एक्स हस्बैंड, एंड तो मेरे को एक्टिंग का कीड़ा तो बचपन से था। मैंने कहा जब जिंदगी ने मौका दिया है तो वाई नॉट ट्राई एक्टिंग, तो मैं बॉम्बे आ गई। फर्स्ट सीरियल और फर्स्ट शो किस तरीके से मिला आपको और आपके एक्सपीरियंस क्या था फर्स्ट शो? वेल, जैसे मैं बॉम्बे आई, ऑब्वियसली अगेंस्ट माय पेरेंट्स विशेस, तो मैं बॉम्बे भाग के आ गई थी और एक महीने तक किसी को नहीं बताया मैं बॉम्बे में हूँ। फिर 98 में मैं आ गई थी, एंड मेरी मेंटल कंडीशन नहीं थी कि मैं अभी काम कर सकूँ, तो मम्मी से पैक योर बैग्स एंड कम बैक। दिस वॉज इन 1999-2000 के, यू यूजलेस, एवरीथिंग इज़ यूजलेस, कम बैक। आई सेड मम्मा प्लीज़ गिव मी वन चांस, आई वुड लाइक टू ट्राई एक्टिंग। शी सेड गो एडमिट योर सेल्फ इन किशोर नमित एक्टिंग इंस्टीट्यूट, एंड वहाँ मुझे सबसे पहला ब्रेक मिला ड्यूरिंग माई एक्टिंग कोर्स। इट वॉज अ वीडियो म्यूजिक एल्बम बाय आशा भोसले, रसना उत्सव। सो आई प्लेड द सेंट्रल आंटी आउट देयर, एंड उसके इमिजिएटली बाद मुझे बालाजी में कहानी घर घर की में अच्छा कैरेक्टर मिला। कहानी की घर घर की बहुत ही सीरियल हुआ करता था वो टाइम पे, तो अब आपको एक अलग पहचान मिली उस शो से? यस, डेफिनेटली। कहानी घर घर की में मैंने प्रियंका मेहरा का कैरेक्टर किया था, विच वॉज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड आप सरप्राइज हो गए ये जान के कि मैंने तब कहानी घर घर के किया और एस प्रियंका मेहरा, और उसके बाद आई थिंक 3 साल के बाद किसी और कैरेक्टर में मैंने रीअपियर किया एज शांति सिंह। सो आई प्लेड टू कैरेक्टर्स इन कहानी घर घर की। यस, एंड इसके बाद में आपने एक के बैक टू नेगेटिव रोल्स किए? तो नहीं, मैंने कॉमेडी कैरेक्टर ज़्यादा किए हैं, नेगेटिव किए हैं एक आध, और मैंने कैमियोज बहुत सारे किए थे शुरू में। मेरा ये मानना था कि काम करते जाओ, एक्सपीरियंस गेन करते जाओ, बिकॉज आई डोंट हैव अ गॉड फादर, मेरे को कोई नहीं जानता इस इंडस्ट्री में, नहीं थी, दिल्ली की थी, तो काम ही मेरा एक्सपीरियंस था, काम ही मेरा बायोडेटा था, तो मैंने किसी काम को मना नहीं किया, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो। बस मैंने सारे बालाजी के सीरियल, के सीरियल कर चुकी थी, एवरी सीरियल आई वॉज देयर, 1-2 एपिसोड 2 एपिसोड के स्ट्रीट पाली हिल में आई वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, वो तो 2-3 महीने चला ट्रैक। ऐसे करते करते फिर जब मुझे केसर में ब्रेक मिला, देन आई स्टॉप डूइंग कैमियोज। आई सेड केसर में आई वॉज वन ऑफ द मेन कॉमेडी कैरेक्टर्स, हैप्पी सिंह शांति सिंह की जोड़ी थी, बस वैसे ही जोड़ी करती आ रही हूँ कॉमेडी कैरेक्टर्स में। बोथ आर इक्वली गुड, बोथ हैव सच डिफरेंट शेड्स। कॉमेडी में मेरा फोर्टे है, मुझे बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करते हैं, मगर अभी फिलहाल मैंने ना नेगेटिव किया था सावधान इंडिया में, अमेजिंग, आई लव्ड इट, आई लव टू सी अ डिफरेंट मी, क्योंकि आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन, तो रियल लाइफ में भी मैं नॉर्मली बात करते करते, इट्स इन मी कॉमेडी करना, इट्स इन मी, बट अ नेगेटिव शेड जो मैं हूँ नहीं वो दर्शाना इज मज़ा आ गया। यस, देयर इज समथिंग अपसाइड डाउन्स इन द लाइफ, सो व्हाट वाज द मेन पॉइंट ऑफ योर हाई पॉइंट ऑफ योर लाइफ? माय हाईएस्ट पॉइंट वाज ऑब्वियसली वर्किंग इन बॉलीवुड, इट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड कितने सुनते हैं कि बच्चे आते हैं एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल, सम बिकम वेरी बिग, सम डोंट अचीव एनीथिंग, और कई लोग तो बहुत साल तक स्ट्रगल करते हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग थिंग, एंड इट्स अ वेरी, इट्स अ हाई थिंग फॉर मी, या आई एम फॉर्चुनेट इनफ, थैंक गॉड। नॉर्मली कहा जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री एक नेपोटिस्ट के दौर में गुजरती है, तो आपको क्या लगता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर नेपोटिज्म भी है तो दूसरी लोगों को भी तो चांस मिली है, ऐसा तो है नहीं, तो दोनों को आराम से प्यार से पैरेलल होके चलना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है,
होता रहे, वाई बी बायस्ड, हर एक की किस्मत उसके साथ है, ये याद रखो। अगर जैसे मैं दिल्ली से उठ के यहाँ आई हूँ, मेरा तो कोई गॉडफादर भी नहीं था, बट स्टिल आई वर्कड फॉर सो मेनी इयर्स, सो लेट इट हैपन। Who is the friend, your best friend in the Bollywood industry? I have like very close to Gudi Maruti, Upasana Singh. Anju ji is like a godmother to me. Mukesh Rishi is a very good friend of mine. Amita Nangia. And ye sab mere bahut kareebi dost hain. Natasha Rana, Deepraj Rana, Sunita Singh. Yes, they are. I don't have lot many friends, but I have few but quality friends. Yes, Urvashi Dholakia, yeah. And also you have worked in a film like Chalk and Duster. Yes. So how was it feel working in the film? Pehli baat, Chalk and Duster mein Shabana Azmi ji thi, Juhi Chawla thi, Rishi Kapoor ji thi, Girish Karnad ji thi. Itne maharathi actors ke saath stage share karna is a blessing. तो मैं तो थैंक यू गॉड कहते थकती नहीं थी उन दिनों। आई एंजॉयड माई सेल्फ, इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद सच सीजन्ड आर्टिस्ट, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। जूही जी हमेशा हंसती रहती थी, हाँ स्माइल उनके फेस से जाती नहीं थी, एंड वेरी कूल काम पर्सन, ना हाइपर ना कुछ। एंड शबाना जी, व्हाट एन एक्ट्रेस शी इज़, मैंने उनसे रोल की सीरियसनेस में जाते हुए देखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन एंड शी लव्ड माई केक्स, तो जब भी आती थी तो आ रही है ना तो नेक्स्ट टाइम मिले मेरा केक लेकर आना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड शी लुक्ड आफ्टर मी लाइक जैसे किसी अपने को ध्यान रखते हैं, मेरे बाल से लेके, और मैं पिन नहीं लग रही तो आकर पिन लगा दिया। बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों के साथ काम करना, आई एम फॉर्चुनेट। या सो आपके हिसाब से टीवी डेली सोप से बेटर है या फिर एक मूवी? भयानक क्वेश्चन है, क्योंकि कल को अगर मैंने सीरियल पकड़ लिया ओके क्या है ना, सीरियल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस हो जाता है। यू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock, 6 o'clock और 7 o'clock, बाय द एंड ऑफ द डे यू कम थक जाते हो, 10-11 बजे तक वापस आते हो, अपने लिए टाइम ही नहीं बचता है, घर के लिए, बच्चों के लिए, किसी चीज़ से। हाँ अगर कुछ नहीं कर रहे हो और टाइम है तो सीरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15-16 सीरियल कर चुकी हूँ तो कर लिए, पता नहीं कैसे कर लिए मुझे मैंने, पर अब ज़रा हिम्मत सी हार जाती हूँ कि हाय वही रूटीन, थक गई। मूवीज़ करना और एड्स करना मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। विच सीरियल इज़ क्लोज टू योर हार्ट? एक तो राजा की आएगी बारात, एंड उसमें मेरा कैरेक्टर कली का था, रश्मि एंड पवन की प्रोडक्शन में था, वंडरफुल पीपल दे आर। एंड उसमें साथ मेरी बुआ थी उपासना सिंह, उनसे मैंने मेकअप करना बहुत सीखा उनसे। और कैसे बताऊँ, मतलब हर सीरियल में मेरा डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट लुक और डिफरेंट बोलने का अंदाज़ होता था। मानना मान बहुत मेरे को अच्छा लगता था सीरियल दिल से। मिसेस चोपड़ा का बड़ा नॉटी कैरेक्टर था, वो हर एक को, मतलब किसी को कुछ नहीं समझती थी, धज्जियाँ उड़ा देती थी सामने वाले की, आई एम दिस। एंड मेरा डायलॉग होता था ओ माई माई, ऐसे करके ना, हॉइटी टॉइटी। अब रिसेंटली मैंने इच्छा प्यारी नागिन किया है, वो सीरियल सब टीवी के लिए, उसका भी कैरेक्टर मज़ेदार। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोलती जाऊँगी अपने हर रोल के बारे में। फिल्म जो करी थी सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसमें पुष्पा का कैरेक्टर था, तो परसेप पिक्चर्स की थी, एंड व्हाट अ वंडरफुल प्रोड्यूसर टू वर्क फॉर मिस्टर शैलेंद्र सिंह। आई जस्ट स्पोक टू हिम इन फैक्ट 5 minutes ago. What a wonderful person, he and his wife are amazing people. काम करके लगा ही नहीं हम काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था फैमिली ट्रिप पे कहीं गई हुई है ऐश करने, घूमने फिरने।